हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ के सभी बच्चे बच्चियों का इस वर्चुअल क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हिंदी टीचर राम सुमार यादव आप लोग को पाठ एक मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी छः प्रसंग अर्थात छः पद्यांश को मैं पढ़ा चुका और सातवें पद्यांश पे पहुंच चुका हूं और सातवां पद्यांश शुरू करने जा रहा हूं। आइए बेटा देखिए सातवां पद्यांश सूरदास जी ने क्या लिखा है। सातवें पद्यांश में सूरदास जी ने लिखा है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसु मत रुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अतहित साथ खवावत। उधम ही ब्रज बिसरत नहीं, गोपी ग्वाल भाल संग खेलत सब दिन हसत सिरत। असुर दास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। बहुत ही मार्मिक प्रसंग इन्होंने लिखा है, मार्मिक पद्यांश सूरदास जी ने लिखा है। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए हैं, उसी का जो है सूरदास जी ने वर्णन किया है। मोह मतलब होता है मुझे, और बिसरत मतलब विस्मृत या भूलना, नाही मतलब नहीं, सघन मतलब गहन, कुंज मतलब छोटे, दह मतलब दही, सिरात मतलब बीत जाना, धन धन मतलब धन होना, जिनसो मतलब जिन पर, जदुतात जो है श्री कृष्ण को कहा गया है। आइए अब इसका मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। सूरदास जी ने लिखा है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण उधव से कह रहे हैं, श्री कृष्ण उधव से कह रहे हैं कि हे उधव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के कुंजों की घनी छांव भी मुझे भुलाए नहीं भूलती। और प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख सुत पावत। और प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दहयो सजायो अतहित साथ खवायो। वह मुझे बहुत ही रह रहकर स्मरण होता था और माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी। इसलिए हे उद्धव, ये सब जो हमने सुख ब्रज भूमि पे किया है उस सबको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। आगे सूरदास जी ने लिखा है कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं। लास्ट पंक्तियों में सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितवासी और कौन मिल सकता है। इसके बाद आइए आठवां प्रसंग जो है आठवां पद्यांश मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए आठवां देखिए। आठवें प्रसंग में पद्यांश में सूरदास जी ने क्या लिखा है कि उधो मन भय दस बीस एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधीस। इंद्र शिथिल भई के सौ बिन जो देहु बिन शीस। वासा लाग रहत तन स्वासा जीव ही कोटि बरीस।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, असुर हमारो नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अरे उधमन भये दस बीस। इसके बाद आठवें प्रसंग में जो है सूरदास जी बहुत ही मार्मिक लिखा है। इसमें इन्होंने प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकती हैं। और इन्होंने लिखा है, आइए व्याख्या दे आप लोग को बताते हैं कि सूरदास जी ने क्या लिखा है कि उद्धव मन न भाई ए दस बीस। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल ये कहु तो सो गयो श्याम संको और अधईस। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम हो और अधईस, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। आइए तीसरा देखिए, इंद्र शिथिल भई के सौ बिन ज्यो देही बिनु शीश। श्री कृष्ण के बिना, गोपियां कह रही श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतत्व हो गई हैं। इसके बाद अगले पंक्तियों में देखिए, आशा लागी रहती तनि सोसा जीव वहीं कोटि बरीस। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही, गोपियां कह रही हैं कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हम उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। इसके बाद गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। गोपियाँ उद्धव से कहती हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, अर्थात तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। तो उसके बाद फिर लास्ट पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य हमारो नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम हे उद्धव तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हमारा कोई आराध्य भगवान नहीं है, अर्थात हम श्री कृष्ण के सिवाय और किसी को अपने हृदय में नहीं बसा सकते हैं। इसमें देखिए काव्य सौंदर्य भी हम बता रहे हैं, इसमें जो है भाषा जो है ब्रज है, इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है, इसमें माधुर्य गुण है, अलंकार इसमें जो है अनुप्रास अलंकार जैसे 10-20 श्याम संग और नंद नंदन के क्रमशः सा और ना वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा भी बनेगा, जो देही बिन सूत अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। श्लेष भी बनेगा, ज्यो देही बिन शीश में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस कारण यह रूपक अलंकार है। और भाव साम्य भी है, इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसमें भाव साम्य भी है। आज बेटा जो है यही मैं आप लोग को विराम देना चाहता हूँ। आप लोग जो है अगले वीडियो में फिर 9वें प्रसंग से आप लोग देखिएगा इसको, जो व्याख्यान हमने पढ़ाया आप लोग विधिवत पढ़ लीजिए और इसको फेयर कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद फिर जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग
अपना फेयर कॉपी करके भेजिए, और होमवर्क हम भेज रहे हैं उसको भी आप लोग देखिए। धन्यवाद।